हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नागलोक नरेश, आज्ञा दीजिए शरणागत वत्सल। हे नागराज, तुमने हमारी शरण में आना स्वीकार किया है, इसलिए विधि के अनुसार समर्पण करो। जो आज्ञा। नागलोक की राजकुमारी के साथ आपका विवाह। हमारा विवाह? कौन सी राजकुमारी के साथ? मेरी पुत्री राजकुमारी कयाधु के साथ। यदि आप जैसे परम प्रतापी असुर शूरवीर का विवाह हो जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। इस प्रकार नागलोक और असुर लोक के बीच न केवल एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा, बल्कि दोनों शक्तियों के मिलाप से आप एक विशाल असुर साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे। अगर आपको ये आशंका है कि मैं भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करूंगी, तो ये लीजिए स्वामी, इसे जहां चाहे वहां छुपा दीजिए। जब विष्णु का हमारे मन में कोई स्थान नहीं है तो राजमहल में भी उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। विष्णु तुम लोग तो जानते हो कि मैंने असुरों के साम्राज्य को विशाल रूप देने के लिए एक और अंधकासुर को देवलोक पर चढ़ाई करने भेजा था, तो दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप को नागलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। हाँ गुरुदेव, हमें अच्छी तरह याद है। अंधकासुर ने तो परास्त होकर देवी गंगा के आगे घुटने टेक कर असुरों के नाम पर भट्टा लगा दिया, परंतु हिरण्यकश्यप ने असुरों का झंडा नागलोक में गाड़ दिया है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं नागलोक विजेता हिरण्यकश्यप के पैरों तले पूरा नागलोक थरथरा रहा है और नागलोक के दरबार में हिरण्यकश्यप के आगमन की घोषणा हो रही है। नागलोक विजेता परम प्रतापी असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप नाग दरबार में पधार रहे हैं। Hey!
नागलोक विजेता परम प्रतापी हिरण्यकश्यप की सेवा में नागराज का सादर प्रणाम। नागलोक का सिंहासन आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, इसे ग्रहण करके इसकी शोभा बढ़ाइए। नागलोक नरेश, आज्ञा दीजिए शरणागत वत्सल। हे नागराज, तुमने हमारी शरण में आना स्वीकार किया है, इसलिए विधि के अनुसार समर्पण करो। जो आज्ञा। सेना नायकों, आप भी समर्पण कीजिए। नागराज, तुम्हारा मुकुट और तुम्हारी तलवारें हमारे ठोकरों में पड़ी हैं। तुमने और तुम्हारे समस्त सेना नायकों ने हमारे आगे घुटने टेक दिए हैं। यदि हम चाहें तो नागलोक में रक्त की नदी बहा सकते हैं। हमारे विरोध में एक भी तलवार नहीं उठेगी। परंतु समर्पण के बाद रक्तपात करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है नागराज, ताकि फिर कभी कोई नागलोक निवासी हमारे सामने सर और पीछे तलवार उठाने का साहस ना करे। नहीं 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 नहीं, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। आप जो चाहते हैं वो रक्त की एक बूंद बहाए बिना भी संभव है। आपके आगे मेरा सर भी सदा झुका रहेगा और आपके पीछे कभी कोई तलवार नहीं उठेगी। वो कैसे? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखना चाहता हूँ जिसमें नागलोक और असुरों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा। मधुर संबंध? अर्थात? अर्थात नागलोक की राजकुमारी के साथ आपका विवाह। हमारा विवाह? कौन सी राजकुमारी के साथ? मेरी पुत्री राजकुमारी कयाधु के साथ। यदि आप जैसे परम प्रतापी असुर शूरवीर का विवाह हो जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे।
इस प्रकार नागलोक और असुर लोक के बीच न केवल एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा बल्कि दोनों शक्तियों के मिलाप से आप एक विशाल असुर साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे। हे नागराज, तुम बहुत चतुर हो। तुमने कयादु जैसी सुंदर राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख के हमारी तलवार को कुंद कर दिया है और अपने राज्य को हमारे अधीन कर सुरक्षित बना दिया है। हमें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है, तुरंत लग्न की तैयारियां करो। जो आज्ञा। पहचान कन्या देती लोक हित निज हित का बलिदान, निज हित का बलिदान। ऐसा सुना था तुम उससे भी सुंदर हो। हमारे राजमहल में तुम जैसी सुंदर कोई रानी नहीं है। हमें खुशी है कि हमारी इस तलवार ने नागलोक के साथ नागलोक की इस चंद्रमा जैसी सुंदर राजकुमारी को भी जीत लिया है। हम अपनी इस तलवार पर जितना भी गर्व करें कम है। इस चांदनी रात में इन टिमटिमाते दियों का क्या काम? परम शत्रु की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आ गई? वो तो हमारे भगवान है। आज से मैं तुम्हारा भगवान हूँ। पूजा करनी है तो मेरी करो, जप करना है तो मेरे नाम का करो, मेरे इस शत्रु का नहीं। भगवान विष्णु तो भक्तों के परम मित्र हैं। वो किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं? वो तो सबके भगवान है। भगवान नहीं, छलिया है ये। इसने छल से मेरे महापराक्रमी बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वह वराह का रूप धरकर आ गया था। ये विष्णु असुरों का परम शत्रु है और जो विष्णु की पूजा करता है वो भी असुरों का शत्रु है। समझ गई? समझ गई स्वामी। आज से तुम्हारे कक्ष में विष्णु की पूजा नहीं होगी। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। विष्णु से घृणा करोगी तुम? तुमने जवाब नहीं दिया।
आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी स्वामी। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूंगी। परंतु मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? विष्णु भक्तों का कोई भरोसा नहीं होता। विष्णु की भांति वो भी छल कर सकते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि मैं भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करूंगी, तो ये लीजिए स्वामी, इसे जहां चाहे वहां छुपा दीजिए। जब विष्णु का हमारे मन में कोई स्थान नहीं है तो राजमहल में भी उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आस्था मन में होती है, आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। विष्णु हे असुरेश्वर, इन समस्त असुरों ने तुम्हें अपना सम्राट बनाया है और अपने अभिमान जो इनकी पहचान है की रक्षा का दायित्व तो तुम्हें सौंपा है। सदा इसकी रक्षा करना। गुरुदेव, आज सभी असुर श्रेष्ठों के सामने मैं हिरण्यकश्यप आज इस राज सिंहासन और इस राज मुकुट की सौगंध खाकर यह घोषणा करता हूं कि आपने असुरों का जो अभिमान मेरे हाथों में सौंपा है मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। हिरण्यकश्यप की जय। 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 नारायण 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 नारायण। ये असुरों के दरबार में असुर शत्रु विष्णु का नाम कौन जप रहा है? नारायण 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 नारायण। नारद मुनि के मुख से अपने प्रभु का नाम तो हर क्षण तीनों लोकों में गूंजता रहता है। इस गूंज को कभी कोई नहीं रोक सकता। परंतु हम रोक सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव, असुर सिंहासन पर मेरे बैठते ही देवताओं ने असुरों के परम शत्रु विष्णु के इस परम भक्त को यहाँ नारायण का जाप करने और हमारी छाती पर मूंग डलने भेजा है। कदाचित देवता ये समझते हैं कि गंगा के द्वारा अंधकासुर जैसे मूरख के हथियार डालने से असुर दुर्बल हो गए हैं। हे देवर्षि, ये देवताओं का भ्रम है जो अभी टूट जाएगा। प्रहरियों, बंदी बना लो इसे। नारायण 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 नारायण।
अपनी माया से तुम बच्चों की भांति आंख पिचौली खेल रहे हो नारद। हिम्मत है तो प्रकट होकर सामना करो। नारायण नारायण। प्रहरियो बंदी बना लो इसे। और बंद करो ये माया का नाटक। क्या तुम माया का यही नाटक दिखाने यहां आए हो? कदापि नहीं। ये तो आपने मुझे विवश कर दिया था। मैं ये चमत्कार दिखाने नहीं आया हूं। फिर तुम यहां क्यों आए हो? शिव भक्त असुरों के यहां विष्णु के परम भक्त का क्या काम? मैं गंगा मैया के आदेश का पालन करते हुए असुरेश्वर हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन ग्रहण करने पर देवताओं की ओर से बधाई देने आया हूं। हमें गंगा और देवताओं की बधाई की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम हमें यह बताओ कि शत्रु के सम्राट को बधाई देने के लिए चतुर गंगा को क्यों विवश होना पड़ा? क्या हमारा असुर सिंहासन पर बैठते ही गंगा और सभी देवता हमसे भयभीत हो गए हैं? नहीं, उन्हें लगता है जो शक्तिहीन होते हैं, परंतु गंगा मैया और देवतागण तो स्वयं शक्तिशाली हैं, तो उन्हें भयभीत होने की क्या आवश्यकता? तो तुम देवताओं की शक्ति से डराने आए हो हम असुरों को? नहीं, एक मित्र दूसरे को डराता नहीं है। देवता गण और असुर जब मित्र बन गए हैं तब दोनों के बीच भय का क्या स्थान? ये मित्रता का मुखौटा देवताओं ने क्यों पहन लिया देवर्षि? देवता और असुर दोनों के कल्याण के लिए। अच्छा, तो अब देवता भी असुरों का कल्याण सोचने लगे? ये गिरगिट की भांति देवताओं ने कब रंग बदला? भार्गव, आप भली भांति जानते हैं कि असुर सम्राट अंधकासुर ने गंगा मैया के सामने देवताओं से हाथ मिलाकर सहयोग का वचन दिया था। मैं उसी देवासुर संगम की याद दिलाने यहां आया हूं। देवासुर संगम नहीं, देवासुर संग्राम ही हो सकता है, और ये संग्राम एक बार नहीं बल्कि बार बार होगा, बार बार। जब तक देवतागण देवी गंगा को असुर लोक में लाने नहीं देंगे, देवासुर संग्राम होता ही रहेगा। देवर्षि जाइए और देवताओं को हमारी दुश्मनी का ये संदेश सुनाइए। हाँ, परंतु 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 कुछ नहीं, बस। तो तुम देवताओं की शक्ति से डराने आए हो हम असुरों को? नहीं, एक मित्र दूसरे को डराता नहीं है। ये मित्रता का मुखौटा देवताओं ने क्यों पहन लिया देवर्षि? देवर्षि जाइए और देवताओं को हमारी दुश्मनी का यह संदेश सुनाइए। हाँ, परंतु 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 कुछ नहीं, बस। भार्गव शुक्राचार्य, इस सभा में आपसे अधिक बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार दूसरा कोई नहीं है। आप इन्हें समझाइए
ये उचित नहीं है। असुरेश्वर ने जो कह दिया वही उचित है। देवर्षि, समझाना ही है तो देवी गंगा को समझाइए, हमें नहीं, जाइए। नारायण नारायण। दीदी, हिरण्यकश्यप का इतना दुस्साहस, उसने न केवल देवर्षि बल्कि भगवान विष्णु का भी अपमान किया है। उमा, हिरण्यकश्यप अज्ञानी है और भार्गव शुक्राचार्य, उन्हें तो आप अज्ञानी नहीं कह सकती, वह भी तो समस्त देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसा वो केवल अपने अभिमान के अधीन होकर करते हैं। देवी उमा, अभिमानी के हाथों में ज्ञान उस दोधारी तलवार की भांति होता है जिसके गलत प्रहार करने पर स्वयं तलवार चलाने वाले के लिए भी धोखा होता है। आप ठीक कह रही हैं दीदी, अभिमान का मारा प्राणी पड़ोस का घर जलाते हुए ये भूल जाता है कि आग उसके अपने घर को भी फूंक डालेगी। मैं तो दुश्मनी की इस आग को बुझा डालने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु मुझे आशंका है कि असुर जब तक इस आग में स्वयं अपने हाथ नहीं जलाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी। असुरों की इस सर्वोच्च राजसभा में देव ऋषि नारद का प्रकट होना देवताओं की शक्ति का प्रदर्शन ही था। हमारे ही घर में घुसकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हम असुरों को चेतावनी देने के बराबर है, और हमें इस चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो युवराज। गुरुदेव, आपका क्या विचार है? नहीं असुरेश्वर, जब शत्रु शक्तिशाली भी हो और कुटिल भी, तो हमें हर कदम सोच समझ कर बढ़ाना चाहिए। तो फिर आप ही बताइए कि देवताओं की शक्ति का उत्तर हम कैसे दें? हमें सबसे पहले उनकी शक्ति को तोड़ना होगा। उनकी शक्ति को तोड़ने के लिए तो उन पर भीषण आक्रमण करना होगा। इससे सुरक्षित उपाय यह है कि हम शक्ति के उस स्रोत को ही नष्ट कर दें जिससे समस्त देवता अपार शक्ति ग्रहण करते हैं। समझ गया गुरुदेव, मैं आपके संकेत को समझ गया। युवराज आल्हाद। आज्ञा सुरेश्वर। नागलोक, पृथ्वीलोक और हर उस लोक में जहां विष्णु की पूजा होती है, यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करो और सभी विष्णु की मूर्तियां और मंदिरों को ध्वस्त कर दो। जो आज्ञा सुरेश्वर। सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, असुरेश्वर की इस नववधु को भी आशीर्वाद दीजिए। अखंड सौभाग्यवती भव। हे शुभांगी, हे सुलक्षणे, तुम्हें असुरेश्वर हिरण्यकश्यप जैसा प्रतापी, महाबलशाली और अजिंक्य पुत्र प्राप्त हो। आइए गुरुदेव। दीदी, ऐसा लगता है कि असुर कुल में भक्त प्रहलाद के जन्म लेने का आपका आशीर्वाद शब्द बदलकर शुक्राचार्य के मुख से निकल रहा था। हाँ उमा, भक्त प्रहलाद के रूप में कयादु को एक परम प्रतापी
बलशाली और अजिंक्य पुत्र ही होगा जो असुरों के कुल में भक्ति की जोत चलाएगा। और जब प्रहलाद का जन्म होगा तो भार्गव शुक्राचार्य को अपने इस आशीर्वाद पर अवश्य पश्चाताप होगा। दीदी, गुरु शुक्राचार्य भले ही पछताएं, परंतु ये उनके पुण्यों का फल है जो अनजाने में ही मेरे आशीर्वाद में उनका आशीर्वाद शामिल हो गया है। ये उनका सौभाग्य है, परंतु विडंबना ये है कि वो ज्ञानी होकर भी अपने इस महान पुण्य को नहीं जान सकते, क्योंकि अभिमान की काली पट्टी उन्होंने अपनी आंखों पर बांध रखी है। देवी उमा, ये प्रभु की लीला ही तो है कि जो शुक्राचार्य प्रभु का अपमान करते हैं उन्हीं के मुख से अपने परम भक्त प्रहलाद के लिए आशीर्वाद दिलवाते हैं। हिरण्यकश्यप की जय। विष्णु को हमने असुर लोक से निकाल बाहर कर दिया है। यहां ना कोई विष्णु की मूर्ति है ना विष्णु भक्त। विष्णु की एक भी मूर्ति असुर लोक में शेष नहीं है। इसी प्रकार हर लोक को, चाहे वो नाग लोक हो या पृथ्वी लोक, उसे विष्णु की मूर्तियों से रहित कर दो। कहीं भी एक भी विष्णु की मूर्ति या विष्णु का मंदिर शेष नहीं रहना चाहिए। असुरों के शत्रु को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलना चाहिए। हे असुरेश्वर, हम असुरों के शत्रु को हर लोक से उखाड़ फेंकेंगे। और याद रहे, विष्णु भक्त भी हमारे शत्रु हैं, इसलिए वो जहां भी दिखाई दें उन्हें परलोक पहुंचा दो, क्योंकि यही विष्णु भक्त विष्णु की पूजा और यज्ञ करके विष्णु और उसके साथी देवताओं को बल प्रदान करते हैं। देखता हूं जब ना विष्णु रहेगा और ना कोई विष्णु भक्त, तो समस्त देवता स्वर्लोक पर मेरे आक्रमण का सामना कैसे करेंगे। जाओ, हर लोक में आतंक मचा दो। जो आज्ञा सुरेश्वर। परंतु विष्णु तो हमारे भगवान है, वो हमारे परमेश्वर है। नहीं, ये भगवान नहीं, छलिया है। इन सारे विष्णु भक्तों का वध कर दो, एक भी बचने ना पाए। मार दो विष्णु भक्तों। मार डालो सभी विष्णु भक्तों को, एक एक विष्णु भक्त को मौत के घाट उतार दो। जला दो, मार डालो, ध्वस्त कर दो मूर्तियां। जला दो, मार डालो, मार डालो। इन सारे विष्णु भक्तों का वध कर दो, एक भी बचने ना पाए। ना ये जीवित रहेंगे, ना हमारे शत्रुओं की भक्ति होगी। तुझे बुलाए हम।
करके दया इतना बता। किसकी शरण में जाए हम, तेरा किसे सुनाए हम, कब तक आशु बहाए हम, कैसे तुझे बुलाए हम। कश्यप के अत्याचारों की तो हद हो गई है। विष्णु भक्तों की चीखों से सारा अंतरिक्ष दहल रहा है। भक्तों को कितनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। समझ में नहीं आता भगवान की भक्ति के विरुद्ध इतना पाप कैसे पनप जाता है। जब तक पाप का घड़ा नहीं भर जाता उसका नाश करने के लिए भगवान अवतार नहीं लेते। उमा, गंध से भरी हुई कीचड़ को देखकर मन में कभी यह विचार नहीं आता कि उसमें कमल जैसा पावन और सुंदर पुष्प भी जन्म ले सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो बस हिरण्यकश्यप और असुरों के अत्याचारों का भी यही हाल है। वो भक्ति के पावन कमल भक्त प्रह्लाद के जन्म के लिए अपने अत्याचारों से, गंध से भरी अत्याचारों की कीचड़ तैयार कर रहे हैं। ये अत्याचार जितने गहन होंगे भक्ति का कमल उतना ही सुगंधित होगा। स्वामी, आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। वो सब लोग, वो सब स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो तो आपके शत्रु नहीं, फिर क्यों आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं? कयाधु, हम जानते हैं कि तुम स्वयं विष्णु की पुजारिन रही हो और इसीलिए हमने तुम्हें पहली रात ही चेतावनी दे दी थी कि तुम ना तो विष्णु की पूजा करोगी और ना ही उस असुर शत्रु का विचार मन में लाओगी। फिर भी हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में दूसरे विष्णु भक्तों के लिए दया और सहानुभूति है। मैं तो केवल मानवता के नाते कह रही थी। किसी भी नाते और किसी भी बहाने विष्णु और विष्णु भक्तों का पक्ष लेना हम असुरों में महापाप है। चाहे ये पाप हमारी पत्नी ही क्यों ना करे, उसे भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तुमने असुर लोक में विष्णु भक्ति का ये पाप पहली बार किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है। परंतु आगे तुम्हें क्षमा का पात्र नहीं समझा जाएगा। महारानी सुमुखी,
आज्ञा स्वामी। कायाधु को असुरों के संस्कार घोट घोट कर पिला दो। इसके मुंह से फिर विष्णु का नाम नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारी तलवार के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कायाधु से हम बहुत प्यार करते हैं। असुर सम्राट हिरण्यकश्यप की सेवा में शत्रुहंता का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम शत्रुहंता, तुम्हारा स्वागत है। हे असुरेश्वर, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दूसरे असुरों सहित पृथ्वी लोक से आकाश तक सभी लोकों में अपने अत्याचारों से असुरों की धाक बैठा दी है। अभी तक विष्णु भक्तों की चीखें त्रिलोक में गूंज रही है। शत्रुहंता, तुम्हारे पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। हमारा आशीर्वाद है कि हमारे शत्रु विष्णु भक्तों के मन में तुम्हारा भय और हमारी धाक सदा बनी रहे। अब निश्चिंत रहिए सुरेश्वर, अब विष्णु भक्तों के मन में विष्णु भक्ति के लिए मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा है। अब हर विष्णु भक्त के मन में आपके आशीर्वाद से केवल मेरा भय और आतंक समाया हुआ है। अब किसी लोक में विष्णु की पूजा की कल्पना करने से भी लोग डरेंगे। शत्रुहंता, विष्णु मंदिरों को ध्वस्त करके हमने जो सफलता पाई है वो पर्याप्त नहीं है। हमें इतने से ही संतुष्ट होकर चुप नहीं बैठना है। अभी देवलोक पर आक्रमण करके हमें असुरों के अपमान का बदला लेना शेष है। हम सभी प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं और ये आग उसी समय शांत होगी जब हम देवताओं को पराजित करके गंगा को पाताल लोक ले आएंगे। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए हमारी व्याकुल आत्माओं को आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। शत्रुहंता, मेरा मन भी चाहता है कि इसी समय देवलोक पर आक्रमण कर दूं, परंतु गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। गुरु शुक्राचार्य भी तो देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक है। वो आपको अवश्य ही आज्ञा और आशीर्वाद देंगे। तब तक मेरे साथ तुम्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी। तो फिर तब तक हम सब अपने शस्त्रों को धार लगाते रहेंगे। आज्ञा मिलते ही हमें शीघ्र याद कीजिए। प्रणाम प्रणाम। कायाधु, तुम्हें भी हमारी इस तलवार से प्यार हो गया है जो अकेले में से मयान से निकाल कर इसके दर्शन कर रही थी। लाओ। कायाधु, हम अपनी इस तलवार से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इसी के बल पर हमने सभी लोगों को जीत लिया है। अब केवल देवलोक को इसके अधीन करना शेष है। कायाधु, जिस प्रकार हमारे जीवन में तुम्हारा आगमन शुभ प्रमाणित हुआ है, वैसे ही यह तलवार हमारे लिए सदा ही शुभ रही है। कायाधु, नागलोक में तुमने मेरे हाथों से विष्णु की मूर्ति फिकवा कर जिस कार्य का शुभारंभ किया था,
मैंने शत्रुहंता और दूसरे असुरों के द्वारा उसी कार्य का अंत किया है। मेरे असुरों ने समस्त लोकों में विष्णु के मंदिरों, विष्णु की मूर्तियों और विष्णु भक्तों के मन से विष्णु के प्रति श्रद्धा को नष्ट कर दिया है। अब किसी लोक में विष्णु का कोई नाम लेवा नहीं रहा। मेरी तलवार की धाक केवल लोगों के मन में ही नहीं, विष्णु के मन में भी बैठ गई है। असुरेश्वर, आपने अच्छा ही किया जो समस्त लोकों से विष्णु का अस्तित्व ही मिटा डाला। परंतु मुझे खेद है असुरेश्वर कि विष्णु की एक भी मूर्ति शेष नहीं बची। खेद हो रहा है? विष्णु की एक भी मूर्ति के ना बचने पर खेद? हाँ असुरेश्वर, क्योंकि मेरी ये इच्छा मन ही मन में दबी रह गई कि मैं भी विष्णु की कम से कम एक मूर्ति तो तोड़ फोड़ डालती। परंतु असुर लोक में तो क्या कहीं भी विष्णु की एक भी मूर्ति का मिलना असंभव है। हे असुरेश्वर, अब विष्णु के स्थान पर आपको बैठना चाहिए। अवश्य सुमुखी, अवश्य। कयाधु के द्वारा ये भी होगा। मेरे द्वारा? हाँ कयाधु, तुमसे विवाह होते ही हम असुर सम्राट बन गए थे, अब तुम्हारी शुभ इच्छा से हम भगवान भी बनेंगे। तुम्हारी शुभ इच्छा से। भगवान, इतनी बड़ी परीक्षा मत लो। मैं आपके दर्शन न करके, आपकी पूजा न करके अपने दिल पर पत्थर रख सकती हूँ, पर मेरे पति मेरे ही सामने आपका अपमान करें, ये आपकी ये भक्त कैसे सहन कर सकती है? प्रभु, न जाने आपकी ये क्या नीति है। आपने अपनी ही भक्त को अपने परम शत्रु की पत्नी बनाकर धर्म संकट में डाल दिया है। पति की इच्छा पूर्ति के लिए मुझे भगवान को छुपा कर रखना पड़ रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु, जो सर्वव्यापी है उन्हें मंदिर की जगह मुझे आभूषणों के डिब्बे में छुपा कर रखना पड़ रहा है। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पति को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। कयाधु, कहाँ हो तुम? कयाधु, कहाँ हो तुम? अरे प्रणाम दीदी, खुश रहो।
सदा असुरेश्वर के मन में समाई रहो। दीदी, मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि आपका अधिकार भी छीन लूं। तुम जितनी सुंदर हो उतनी मधुर भाषिणी भी हो और चतुर भी हो। चतुर? हाँ, लेकिन तुम्हारी ये चतुराई मुझसे नहीं चलेगी। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों, तुमने मुझे देखकर कोई अनमोल वस्तु छुपाई है ना? वो तो माताश्री के दिए हुए आभूषण हैं। आप चाहे तो उन्हें देख सकती हैं। आभूषण? आभूषण भी भला अनमोल होते हैं? असुरेश्वर से कहोगी तो हीरे मोतियों से जड़े आभूषणों का ढेर लगा देंगे तुम्हारे चरणों में। पर और तो मैंने कुछ नहीं छुपाया। देखो कयाधु, इस राजमहल में मुझसे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती, और तुमने मुझसे कुछ छुपाकर द्रोह किया है। नहीं नहीं, मैंने आपसे कोई द्रोह नहीं किया। तुमने मुझसे द्रोह किया है। क्यों, तुमने अपनी आंखों से झड़ने वाले आंसुओं के मोतियों को मेरी नजरों से बचाकर अपने आंचल में नहीं छुपाया? दीदी, क्यों रो रही हो? माता पिता की याद आ रही है। अरे पगली, माता पिता की याद आ रही है तो अपनी इस दीदी के पास चली आती। मुझसे भूल हो गई दीदी। कयाधु, तुम्हारे इस कक्ष में ये कैसी अनोखी सुगंध फैली हुई है? जी जी, वो इस बक्से की होगी, चंदन का है ना? कुछ भी कहो कयाधु, ये सुगंध तो सीधे आत्मा में उतर जाती है। इसे सुनकर मन को दिव्य शांति प्राप्त होती है। कितना सुंदर बक्सा है। एक बात कहूं कयाधु? आप आज्ञा कीजिए दीदी। ये बक्सा तो मुझे भेंट कर दो। जी वो मैं नागलोक से आपके लिए और मंगवा दूंगी। ये माताश्री की विशेष भेंट है। सुंदर, अति सुंदर, तुम जितनी सुंदर हो ये सुंदर तुम्हारी माता का दिया हुआ ये हार है। घबराओ मत, मैं इसे नहीं लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि अपने मायके की हर चीज से हम स्त्रियों को विशेष प्यार होता है ना? देखो, अपने मायके की जब भी याद सताए तुम मेरे कक्ष में चली आया करो। जो आज्ञा दीदी। मैं जा रही हूं, मगर मेरे पीछे फिर रोने ना लगना। हाँ। कैसी कठिन परीक्षा लेते रहते हैं भगवान। हाँ
भगवते वासुदेवाय। असुरेश्वर अंधकासुर अंतरिक्ष में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो मेरा प्रिय मित्र अंधकासुर है, परंतु ये असुर लोक का राजपाट छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम मित्र। ओम स्तंभासुर, तुम राम, लगता है तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। हाँ मित्र, तपस्या भी पूरी हो गई और सफल भी। ब्रह्मा जी से मैंने अनोखा वरदान प्राप्त करके अब मैं सचमुच स्तंभासुर बन गया हूँ। अच्छा। हाँ मित्र, अब वरदान के कारण मेरी दृष्टि तेजस्वी हो गई है। यदि मैं चाहूँ तो मैं जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि केंद्रित करके उसे स्तंभित कर सकता हूँ अथवा ध्वस्त भी कर सकता हूँ। इसकी एक झलक देखो। वाह स्तंभासुर, मित्र, मैंने तो ब्रह्मा जी से यह अनोखा वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, परंतु तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति पाने के लिए? हाँ मित्र, गंगा मैया ने मेरी अंतरात्मा में भक्ति की ज्योत जलाकर मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया है। मैं तो असुरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता था, परंतु परंतु क्या मित्र? परंतु इसे द्रोह समझकर गुरु शुक्राचार्य ने मुझे असुर लोक से ही बहिष्कृत कर दिया। नहीं। हाँ मित्र, मेरे स्थान पर मेरे काका हिरण्यकश्यप को असुर सम्राट बनाया गया है। अब मैं असुरेश्वर नहीं रहा। यह तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। परंतु मुझे तो अब भक्ति में ही आनंद मिल रहा है। असुर सिंहासन की लालसा मन से ही मिट गई है। राजपाट का मोह और लोभ सब समाप्त हो गया है। नहीं मित्र, यह अन्याय ही है कि एक राजा से अकारण ही उसका सिंहासन छीन लिया जाए। यदि तुम स्वयं सिंहासन त्याग देते तो बात दूसरी थी। उन्होंने यह समझा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, परंतु उन्हें पता नहीं कि मैं अभी जीवित हूँ। अंधकासुर, तुम्हारा यह मित्र अपनी मित्रता निभाएगा, तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य दिलाएगा। अच्छा हुआ जो मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया है। अब मैं अकेला ही समस्त असुरों के लिए पर्याप्त हूँ। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अवश्य ही करूँगा। मैं हिरण्यकश्यप और गुरु शुक्राचार्य को तुम्हारे साथ किए गए अन्याय के लिए छोड़ूंगा नहीं। नहीं असुरराज, नहीं। मैं तुम्हें इतनी जल्दी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। परंतु क्यों गुरुदेव, क्यों? आपकी आज्ञा अनुसार हमारे असुरों ने सभी लोकों में विष्णु मूर्तियों, विष्णु मंदिरों को ध्वस्त कर दिया है। अब कहीं कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, इसलिए यज्ञ द्वारा देवताओं को मिलने वाली शक्ति का प्रवाह थम गया है। अब उनकी शक्ति वो नहीं रही जो पहले थी। अब तो हम उन पर आक्रमण कर सकते हैं। असुर सम्राट, देवताओं की शक्ति कम अवश्य हुई है, परंतु उनकी शक्ति अब भी असुरों की शक्ति से बहुत अधिक है, इसलिए इतनी शीघ्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव, तो हम क्या करें? देवताओं के विरुद्ध भड़के हुए असुरों के क्रोध को ठंडा हो जाने दें? देवताओं के विरुद्ध असुरों का क्रोध उस ज्वालामुखी की भांति है जो कभी ठंडा नहीं होता। तुम उसकी चिंता मत करो हिरण्यकश्यप। हाँ, असुरों के क्रोध की शक्ति में वृद्धि के लिए तुम्हें और शक्ति ग्रहण करनी होगी।
गुरुदेव, मैं असुरों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए मुझे क्या करना है। तपस्या। हे असुर सम्राट, तुम्हें शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी, ब्रह्मा जी की तपस्या। तुम कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को इतना प्रसन्न कर दो कि वो स्वयं तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हो जाए। तब तुम उनसे शक्ति के साथ साथ अमृत्व का वरदान भी मांग लेना। हे असुर सम्राट, सभी देवता अमर हैं और सभी असुर नश्वर हैं। ये अमृत्व ही है, अमृत्व जिसके कारण देवताओं का पलड़ा असुरों के पलड़े पर भारी हो जाता है। परंतु जब तुम ब्रह्मा जी से अमृत्व का वरदान प्राप्त कर लोगे तो कोई भी देवता तुम्हें कभी भी मार नहीं सकेगा और तुम प्रलय होने तक उनसे युद्ध कर सकोगे। लंबे और अंतहीन युद्ध से घबराकर देवता तुम्हारे सामने हथियार डाल देंगे और इस प्रकार तुम देवी गंगा को असुर लोक लाकर उससे असुरों की सेवा करवा सकोगे। और एक एक करके स्वर्ग लोक सहित तीनों लोकों पर अमर हिरण्यकश्यप का झंडा लहराएगा। तुम त्रिलोकी नाथ बन जाओगे, त्रिलोकी नाथ। गुरुदेव, मैं समय नष्ट किए बिना तुरंत ही तपस्या के लिए जाना चाहता हूं। आप मेरे उद्देश्य की सफलता के लिए आशीर्वाद दीजिए। विजय भव। क्षमा कीजिए असुरेश्वर, तपस्या करना अच्छी बात है, परंतु अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करना व्यर्थ है। अच्छा, संसार में कोई प्राणी अमर नहीं है। हर प्राणी का शरीर नश्वर है। महाराज, इसीलिए कहती हूँ कि अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करना मृगजल का पीछा करना है। हमारे सामने बड़ा ज्ञान बघा रही हो तुम, हमें मूर्ख समझती हो? नहीं असुरेश्वर। तो फिर अपने आप को गुरु शुक्राचार्य से अधिक ज्ञानी समझती हो? नहीं नहीं असुरेश्वर। गुरुदेव से तप सामर्थ में अधिक होने का भ्रम है तुम्हें? नहीं 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 असुरेश्वर। तुम गुरुदेव को अपने ज्ञान से चुनौती देना चाहती हो? नहीं नहीं असुरेश्वर। फिर तुम हमें गुरुदेव के विरुद्ध भड़काकर उनका विरोध करने की सीख क्यों दे रही हो? क्यों? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम सोच नहीं सकती? फिर कौन है जिसने सोच तुम्हारे मस्तिष्क में डाली है? किसने तुम्हें भड़काया है? भड़काया नहीं, उकसाया है। कौन है वो विद्रोही? हम अभी उसके जीवन का अंत कर देंगे। जिसने मुझे आपको रोकने पर उकसाया है, आप उसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उसने अभी जन्म भी नहीं लिया असुरेश्वर। क्या बक रही हो तुम? हाँ असुरेश्वर, उसने अभी जन्म नहीं लिया, सो आप उसके जीवन का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, हत्या नहीं। पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, पिता? कयाधु। कयाधु, तुम मां बनने वाली हो? हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतनी सी बात नहीं समझ सके।
कि हम बाप बनने वाले हैं। तो इसी कारण तुम हमें तपस्या के लिए जाने से रोकना चाहती हो? हाँ असुरेश्वर, मैं नहीं चाहती कि जब आपका पुत्र जन्मे तो आप उससे दूर हों। उसके सिर पर आपके आशीर्वाद की छाया ना हो। स्वामी, मुझे कहने की आज्ञा दीजिए। संसार में किसी को अमृत्व प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी प्राणी अपनी संतान और फिर अपनी संतान की संतान इनके रूप में जीता है, यही अमरत्व है। इसीलिए स्वामी, अपने पुत्र को उसके जन्म से पहले ही छोड़कर अमरत्व प्राप्ति के लिए जाना उचित नहीं है। कया, हमें अमरत्व की आवश्यकता अपने लिए नहीं है। हम भी औरों की भांति अपनी संतान के रूप में सदा जिएंगे, परंतु हम केवल पिता नहीं, असुर सम्राट भी हैं, और हम असुरों के हित की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए अमर बनना चाहते हैं। इसलिए हम तपस्या के लिए अवश्य जाएंगे, परंतु जाने से पहले हम पिता होने का कर्तव्य भी अवश्य निभाएंगे। हमारे पुत्र और असुरों के राजकुमार के आगमन की खुशी हम अपनी असुर प्रजा के साथ मनाएंगे। धूम मचा देंगे हम, धूम। प्रतिहारी, आज्ञा सुरेश्वर। जाओ प्रतिहारी, हमारी ओर से समस्त असुरलोक में घोषणा कर दो कि कल असुरलोक के प्रत्येक घर में घी के दिए जलाए जाएं। हमारी ओर से पूरे असुरलोक में मदिरा की नदियां बहा दी जाएं। नाचो गाना हो, खुशियां ही खुशियां मनाई जाएं। हमारी रानी कयाधु मां बनने वाली है, हम फिर पिता बनने वाले हैं।